दोस्तों आज हम निकल गए हैं दिल्ली से नैनीताल के सफ़र पर, और सुबह सुबह का वक्त है, घना कोहरा है, और दिल्ली से नैनीताल के सफ़र के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ निकल चुका हूं। जैसे ही हम दिल्ली से बाहर निकलकर हाईवे पर ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम वहां पर रुकते हैं सीबा ढाबा पर। सीबा ढाबा पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ रुकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना और ब्रेकफास्ट के लिए लजीज चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ से हम अपना सफ़र फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ से लगभग 12 लोग हैं, 12 लोग निकले हैं अपनी गाड़ियों से, और ये हम चल रहे हैं गंगा नदी के ऊपर। ये गंगा नदी का पुल है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से हम चलते जाते हैं आगे। रास्ता बहुत ही लंबा सफ़र है, लगभग 8 घंटे का सफ़र है, लेकिन फैमिली के साथ मौज मस्ती करते हुए कब सफ़र कट जाएगा कुछ पता भी नहीं लगेगा। एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है, ये देखिए, ये रास्ता मुरादाबाद शहर के लिए रास्ता जा रहा है। इस चौराहे पर हम आ चुके हैं, यातायात पुलिस जनपद मुरादाबाद, ये मुरादाबाद शहर है। यहाँ से हम आगे निकल गए हैं, भारी ट्रैफिक जाम है, फिर भी हम अपने सफ़र पर कंटिन्यू चलते जा रहे हैं आगे। ये देखिए, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर नगर परिषद, ये उत्तराखंड का बॉर्डर है, यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। अब हम जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही सभी लोग बहुत एक्साइटेड है कि कब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। नैनीताल यहाँ से 63 किलोमीटर नैनीताल रह गया है, मात्र 63 किलोमीटर, लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र यहाँ से रह गया है। लेकिन वो भी जो सफ़र अब आएगा वो ही असली सफ़र है नैनीताल का। ये देखिए, अब हम यहाँ से हल्द्वानी से होते हुए निकलने वाले हैं। यहाँ से नैनीताल के पहाड़ियों की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही घुमावदार और पहाड़ी रास्ते हैं यहाँ पर, हर एक मिनट में एक मोड़ आ जाता है, और बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर भी रास्ते हैं। यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हम चल रहे हैं अभी। देखिए, शानदार व्यूज दिखने को मिल रहे हैं, एक से एक सुंदर और अनुपम नज़ारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आके बहुत ही मस्त मस्त नज़ारे हैं। देखिए, ये रिसोर्ट और होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे यात्रियों को रखने के लिए। क्योंकि यह पीक टाइम है, इस टाइम पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। ये देखिए, रिसोर्ट है, यह आपको होटल्स और रिसोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ से पहले खुरपाताल जाएंगे, जहाँ पर हमें अपना जो होटल है वो लेना है, क्योंकि नैनीताल में होटल्स खाली नहीं है, प्री बुकिंग करनी पड़ती है, इसलिए हमने खुरपाताल में अपना होटल बुक किया है। उससे पहले हम रास्ते में रुक कर देखिए व्यूज का नज़ारा लेते हुए, एक से एक सुंदर व्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। हजारों फीट की हाइट है नैनीताल, बहुत ही सुंदर एक हिल स्टेशन है। बड़े बड़े विशाल चीड़ और चिनार देवदार के यहाँ पे आपको पेड़ दिख जाएंगे। ये हमारा होटल है, यहाँ पर हमने रूम लिया है। अब हम यहाँ पे रूम अपना लेने के बाद में यहाँ से हम नैनीताल नैनी लेक के लिए निकल चुके हैं। ये नैनीताल का माल रोड है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो पहले हम नैनी लेक में वोटिंग करेंगे, क्योंकि अब वोटिंग बंद होने वाली है, शाम का टाइम हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हम नैनी लेक में जाके वोटिंग करेंगे। अपनी गाड़ी को यहाँ पे हम जो पार्किंग है इसमें पार्क करने वाले हैं। यहाँ पे हमसे एक फोर व्हीलर का चार्ज लगभग 200 रुपये लिया है। इसके बाद हम नैनी लेक में वोटिंग करने के लिए आ गए हैं। अभी भी बहुत भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और वोटिंग अब बंद होने वाली है। हम वोटिंग के लिए 4-5 वोट करते हैं, एक वोट में 2 या 3 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। तो हम अपनी अलग अलग अपनी फैमिलीज के साथ में वोट में बैठने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर शानदार वोटिंग का आनंद हमको मिलेगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा आपको नैनी लेक का देखने को मिलता है। नैनीताल में सबसे खूबसूरत चीज़ है जो देखने के लिए, वो ये नैनी लेक ही है। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में आपको वोटिंग करने के लिए ये वोट नैनी लेक है, जहाँ पे आपको वोटें मिलती हैं। ये देखिए, वोटिंग करते हुए आपको चारों तरफ की पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखेंगे।
ये देखिए क्या सुंदर सिटी दिख रही है नैनीताल, बहुत ही सुंदर। क्या हिल स्टेशन है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे वोटिंग करते ही रहे हैं, यहाँ से निकले ही ना। ये आपको सामने दिख रहा है वो मॉल रोड है नैनीताल का, यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, आप शॉपिंग कर सकते हैं। पूरी नैनीताल की लाल हरी लाइटों से देखिए कैसे चमक रही है, जगमग जगमग, ऐसा लग रहा है कि हजारों सितारे चमक रहे हों। अब यहाँ से हम नैनी लेक में वोटिंग करने के बाद में जाएंगे नैना देवी माता के टेंपल में दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी लोगों का मन नहीं भरा है वोटिंग करने से, तब तक हम वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने के बाद चल देते हैं माँ नैना देवी के टेंपल। ये देखिए माँ नैना देवी के टेंपल के बाहर का ये जो नज़ारा है, यहाँ पे आपको आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप गर्म कपड़े वगैरह खिलौने वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, होटल्स रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। सारे लोग शॉपिंग का मज़ा लेते हुए और धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, और ये माता नैना देवी के मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ पे लिख रहा है कृपया मर्यादित एवं शालीन वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें। लोग यहाँ पे क्या मंदिर है, हिंदू मंदिर है, तो लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, इसलिए इसमें पहले ही चेतावनी दी लगी है कि मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ पे हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, ये सामने मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आता है, बहुत ही सुंदर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। ये देखिए मंदिर के प्रवेश द्वार से श्री हनुमान मंदिर, एक बहुत ही बड़ा विशाल घंटा लगा हुआ है। ये हनुमान जी की विशाल और बहुत ही सुंदर चमत्कारी प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा है हनुमान जी की, साथ में गणेश जी महाराज का भी यहाँ पे एक प्रतिमा लगी हुई है। और ये सामने दिख रहा है ये माता नैना देवी का मंदिर है, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के चुंदरी भी बांध के जाते हैं। ये देखिए लोग अपनी मन्नत की चुंदरी मांग यहाँ पे बांध। इससे आगे देखिए यहाँ से मैं आपको पूरी नैनी लेक का नज़ारा दिखाता हूँ, पूरी नैनी लेक और पूरा नैनीताल दिख रहा है। ये सामने माता का मंदिर है नैना देवी का, यहाँ से सब लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। वो